हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैंने बहुत सारे साल ट्रैवल किया है एज अ फ्लाइट मैनेजर, एज अ कैबिन मैनेजर, क्रू मेंबर्स के साथ मैं पूरी दुनिया के ट्रैवल करती थी और बहुत सारे पैसेंजर्स, बहुत सारे लोग मेरे आसपास होते थे। एज कोलीग्स, एज अ क्रू, एज अ पैसेंजर, मैंने फ्लाइट्स के ऊपर कई ऐसी चीजें फेस की जो मेरा दिल करता था कभी कभी कि मैं अपने लोगों को जाके बोलूं कि अरे यार ऐसा मत करो। नहीं क्योंकि मैं वहां की क्रू हूं, इसलिए नहीं, क्योंकि आप अपने आप को कई बार बिना सोचे समझे कुछ आपके जेस्टर्स या बोलने के तरीके से आप अपने आप को भी नीचा कर रहे हो और अपने देश का नाम भी खराब कर रहे हो। आई नो बहुत सारे लोगों को ये बात मेरे मुंह से सुन के बहुत बुरा लगेगा कि अरे तुम ये क्या बोल रही हो, लेकिन ये एक सच्चाई है और एंड ऑफ द वीडियो तक आप अग्री करेंगे कि ममता जी आप सही कह रही थी, गलत नहीं कह रही थी। जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं या किसी के सामने जाते हैं तो हम अपना बेस्ट दिखाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, अच्छी खुशबू लगा के जाते हैं ताकि कोई हमारे बारे में ये ना बोले कि अरे कैसा दिख रहा था या कैसा दिख रही थी या कैसे बोल रहा है या कैसे बोल रही थी या किस तरह से बैठ उठ रहा है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के सामने उस तरह से पेश नहीं आना चाहते तो फ्लाइट्स भी डिफरेंट नहीं है। फ्लाइट्स में भी आई नो आप टिकट अपनी जेब से खरीदते हैं, आपका पैसा उसमें लगा होता है, लेकिन आपको ये चीज भी याद रखनी चाहिए, अगर आपने पैसे देके वो सीट खरीदी है जहां पे आप बैठे हैं, जो आपके को पैसेंजर्स हैं, जो आपके साथ बैठे हैं दूसरी सीटों पे, उन्होंने भी पैसे लगाए हैं और उनके भी वही हक हैं जो आपके हक हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ एक जनरल बातें पिन पॉइंट नहीं कर रहे किसकी तरफ कि कोई बुरा है या कोई अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कुछ एक ऐसी बातें हम जनरली एक दूसरे के साथ शेयर करें जिससे कि शायद आप मुझसे कुछ सीख लें, मैं आपसे कुछ सीख लूं। आपसे कैसे सीखूंगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने कोई भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको एज अ कैबिन क्रू नहीं, एक पैसेंजर के तौर पे, जब मैंने भी कई बार ट्रैवल किया है फ्लाइट्स में, क्योंकि मैंने बहुत साल ट्रैवल किया है तो मैंने कई चीजें ऑब्जर्व की हैं जिनके बेसिस पे ये फीडबैक मैंने बनाई है, जिससे कि मुझे लगा कि आप लोग जो मुझसे जुड़े हो, जिनको मैं एक अच्छे ट्रैवलर बनाना चाहती हूं कि वो कुछ ऐसी हैबिट्स अपने में डेवलप करें जिससे कि वो अच्छे ट्रैवलर्स कहलाएं, तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं। अब तो सबसे पहली बात, आपने क्या कभी देखा है कि जब फ्लाइट में आप जा रहे होते हो, हमारे देश में क्या है, इतना रश है, इतनी पॉपुलेशन है, तो हम कभी भी अगर लिफ्ट में भी चढ़ना होता है तो हम फट जाके घुस जाते हैं, हम ये नहीं वेट करते कि लेडी है पहले तो उसको पहले जाने देना है। तो ये हमारी कुछ एक हैबिट्स जो खराब हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली बाहर किसी और कंट्री में हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए लेडी को पहले जाने दीजिए, या लेडी अगर आपके बराबर खड़ी है, बैठने की वेट कर रही है, तो आप उसको हाथ दिखा के उसको पहले बैठने दीजिए। इट लुक्स वेरी पोलाइट एंड नाइस। और बिना धक्का दिए अगर आप लाइन में, क्योंकि बोर्डिंग जब होती है ना, जब एयरक्राफ्ट जहाज के बाहर क्रू खड़ा होता है, आपकी टिकट चेक करता है, टिकट नहीं, बेसिकली उसको बोर्डिंग कार्ड कहते हैं जिसकी आपका सीट नंबर लिखा होता है, तो कभी कभी वहां बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो अगर आप उस लाइन में है तो प्लीज पुश ना करें लोगों को, लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े रहें, मतलब आप में और आपके आगे खड़े पैसेंजर में कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहती तो आधी, अगर पूरी एक आम की आपकी और उनकी डिस्टेंस नहीं है, जैसे मैं एक बांह अपनी आम को अगर सीधा करती हूं, अगर इतनी लंबाई में डिस्टेंस नहीं है तो कम से कम इससे आधा, मतलब थोड़ा डिस्टेंस तो आप में और दूसरे पैसेंजर में होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पर्सनल स्पेस होती है, बहुत चिपक के खड़े होना नॉट नाइस। तो आप ये एक काम कर सकते हैं। दूसरा, प्लीज, बहुत सारे लोग अपना बोर्डिंग कार्ड नहीं दिखाना चाहते डोर के ऊपर, प्लीज अपना बोर्डिंग कार्ड जरूर दिखाइए, क्योंकि एज अ स्टाफ, एज अ क्रू मेंबर, एज अ एयरपोर्ट स्टाफ, ये हमारी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि आप सही फ्लाइट पे। अब आप कहेंगे अरे मैं कोई अनपढ़ थोड़े ना हूं कि मैं किसी फ्लाइट में भी चढ़ जाऊंगा, लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग थके होते हैं, स्लीपी होते हैं, बोर्डिंग गेट नंबर होता है जहां से उन्होंने फ्लाइट पकड़नी है 23 और वो गलती से उसको 28 पढ़ लेते हैं या 22 गेट पे चले जाते हैं, और अगर स्टाफ चेक नहीं करेगा तो आपने जाना है किसी और जगह और आप किसी और जगह पहुंच जाएंगे, जिससे कि स्टाफ की सीधे सीधे नौकरी जा सकती है, ग्राउंड स्टाफ की भी और जो स्टाफ फ्लाइट में है। तो ये हमारी जॉब से जुड़ी हुई चीज है, तो प्लीज आप अपना बोर्डिंग कार्ड जरूर खुशी खुशी दिखा दें। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो लिटरली इतना गुस्सा हो जाते थे डोर पे बोर्डिंग कार्ड मांगने पर कि डू यू थिंक आई एम इलिटरेट, मुझे पता है ये मेरी फ्लाइट है। अरे आप श्योर नहीं हो सकते हमेशा, कभी भी गलती किसी से भी हो सकती है और ये हमारा प्रोटोकॉल है, कहते हैं ना रूल्स हैं तो भैया फॉलो करने ही पड़ते हैं, तो हमारे भी एयरलाइंस के रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो आप भी उनको फॉलो करो, अपना बोर्डिंग कार्ड जरूर दिखाओ। नंबर 3,
आप अपना, बहुत सारे लोग ना पिट्ठू बैग लेकर आते हैं, और पिट्ठू बैग में मतलब जो बैकपैक होता है उस बैग में इतना सामान भर लेते हैं, वो लिटरली इतना चौड़ा हो जाता है पीछे से, मतलब अगर वो मेरी बैक पे टंगा हुआ है तो इतनी चौड़ाई पीछे तक होती है। और लोग ये रियलाइज नहीं करते कि जहाज के डोर से जहां वो एंटर करते हैं वहां बहुत बड़ी स्पेस नहीं होती, उसी स्पेस में साइड में क्रू मेंबर्स वेलकम करने के लिए और बोर्डिंग कार्ड चेक करने के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही पैसेंजर अपना बोर्डिंग कार्ड दिखा के वो अंदर आते हैं, उनका बैक पैक टंगा होता है, और जैसे ही वो घूमते हैं मुड़ने के लिए, बिलीव मी बहुत बार मेरी नाक के ऊपर उनका बैग टकरा चुका है, क्योंकि स्पेस इनफ नहीं होती और इतना बड़ा बैग उन्होंने पीछे अपने पिट्ठू पे टांगा होता है, और वो अपनी बॉडी की मूवमेंट अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। पर उनको ये याद रखना चाहिए कि आपके पीछे इतना चौड़ा बैग भी है, जब आप एकदम मुड़ते हैं तो वो पीछे वाले को टकरा सकता है, उसके मुंह को घायल कर सकता है, क्योंकि मेरा नाक बहुत बार घायल हो चुका है। तो ये तीन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। चौथी चीज, जब आप अपनी सीट पे जाते हैं, बहुत सारे लोग ना अपना जो हैंडबैग है वो मतलब छोड़ देते हैं नीचे सीट के भैया क्रू आएगी रखेगी। अब मैं आज आपको एक सच्ची सच्ची बात बताऊं, अगर आपको बुरा ना लगे, एज अ स्टाफ हमारा फर्ज है आपको बताना कि आपका बैग आप कहाँ रख सकते हैं, यहां स्पेस अवेलेबल है या सीट के नीचे फिट आएगा, या आपको उसको संभाल के रखना है, अपनी नजरों के सामने रखना है। हम इतना गाइडलाइन आपको दे सकते हैं, लेकिन किसी का सामान पिक करके हैट्रैक में रखना या कहीं स्टोर करना वो हमारी ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आता। अगर हम किसी की मदद करते हैं, मतलब कि कोई ओल्ड है, किसी को बहुत जरूरत है, कोई लेडी बच्चों के साथ है, तो हम मदद कर देते हैं। नहीं तो आप इमेजिन कीजिए, एक क्रू अगर वो 300 लोगों का बैग उठा के ऊपर रखेगी या रखेगा तो उसकी कमर नहीं टूट जाएगी, वो तो नेक्स्ट ड्यूटी पे आएगा ही नहीं, उसकी जॉब ही खत्म हो जाएगी। तो प्लीज बी ह्यूमन, अपने बैग को अगर आप खुद पैक कर रहे हैं, इतना भारी पैक कर रहे हैं, यस आप असिस्टेंस मांग सकते हैं कि प्लीज मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर दो इस सामान को ऊपर रखने के लिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि अपना सामान छोड़ दीजिए कि कोई उसको उठाएगा रखेगा। कोई आपका नौकर नहीं है, सब इक्वल होते हैं। चाहे कोई क्रू है, जो उनको ड्यूटीज दी जाती हैं उनकी कंपनी की तरफ से वो अच्छे से करते हैं, लेकिन ये उनकी ड्यूटी के बीच में नहीं आता। जैसे कि टॉयलेट में आपके अंदर हेल्प करना उनकी ड्यूटी नहीं है, कि उस केस में बोल रही हूं, अगर कोई बहुत बीमार होता है टॉयलेट के अंदर उसको जरूरत है तो भी हम लोग को अलाउड नहीं है किसी को मदद करना, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। किसी को खाना खिलाना हमारी ड्यूटी नहीं है, वैसे ही हमें किसी का बैग उठा के हैट्रैक में रखना भी क्रू मेंबर्स की ड्यूटी नहीं है। मैं चाहती हूं इस जानकारी को आप जान ले, ताकि आप आगे से इस बेतुकी बात के लिए किसी के साथ लड़ाई ना करें। उसके बाद बारी आती है हाइजीन की। हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एज अ स्टाफ आप किसी को सीधा तो नहीं बोल सकते कि भाई तुम में से बहुत स्मेल आ रही है और आसपास वाले जो सारे पैसेंजर्स है वो तेरी कंप्लेन हमसे कर रहे हैं, और ऐसा होता है फ्लाइट्स में। लेट मी टेल यू, कई बार मेरे पास एज अ मैनेजर कंप्लेन्स आती थी कि भैया ये सीट पे ना मेरे साथ ये बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसमें से ना मैडम बड़ी स्मेल आ रही है, प्लीज मेरी सीट चेंज कर दो। वो अपने को पैसेंजर को नहीं कहते क्योंकि वो लड़ाई नहीं डालना चाहते, लेकिन वो क्रू को जब आके शिकायत करते हैं तो क्रू के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करना, क्योंकि कैसे हम जाके किसी को कह दे जी आपसे स्मेल आ रही है। एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोगों में से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, एंड आई डोंट ब्लेम दैम। नंबर वन, सबके पास, जो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो घर से प्रॉपर नहा धो के डिओड्रेंट लगा के आए, लेबर भी होती है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता और वो बेचारे स्पेंड नहीं कर सकते। ऑल आई कैन से कि वो लोग इतना तो जरूर कर सकते हैं कि घर से चलने से पहले एटलीस्ट शावर लेके अपने अंडर आर्म्स में, अगर डिओड्रेंट खर्चने के मतलब खरीदने के पैसे नहीं है आपके पास, एटलीस्ट पाउडर या कुछ ऐसा लगाएं जिससे कि कम से कम स्मेल ना आए बॉडी से, और कपड़े सिंथेटिक की जगह कॉटन बेस पहने फ्लाइट्स में, कॉटन बेस कपड़े आपके पसीने को सोख लेते हैं और उससे स्मेल भी नहीं आती। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं मैं कहूंगी डिओड्रेंट लें, डिओड्रेंट को प्रॉपर अपनी अंडर आर्म्स में लगाएं, क्योंकि अंडर आर्म्स में से बिलीव मी नहाने के बाद आप अगर आधा घंटा अपने घर में भी हो ना और डिओड्रेंट नहीं लगाते तो भी अंडर आर्म्स में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आप चेक कर लीजिएगा। तो प्लीज फ्लाइट पे आने से पहले अपनी पर्सनल हाइजीन, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धुले हुए और अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, ताकि आसपास वाले लोग आके दूसरों को कंप्लेन ना करें और आपकी बेइज्जती ना होती हो, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारी फ्लाइट्स में, बहुत सारी एयरलाइंस में। आप किसी से भी, अगर आपकी कोई क्रू फ्रेंड है तो आप उससे एक रिकन्फर्म कर लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है शूज की। शूज कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है फ्लाइट्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना घर से
ये सोच के शूज नहीं डालते कि भैया फ्लाइट पे जा रहे हैं, कंफर्टेबल शूज डालें। वो शूज डाल लेते हैं जो आगे से नैरो होते हैं या टाइट होते हैं, तो फ्लाइट में आते ही उनको ये लगता है कि भैया अब तो पहुंच गए, ये हमारा घर ही है एक तरह से, तो अब क्या करते हैं, अब जूते उतार के रख दो। अब जो सॉक्स होती हैं, वो दो या तीन तरह की सॉक्स आती हैं, आपको पता होगा, जो चीप सॉक्स आती हैं जिसमें बहुत ज्यादा मटेरियल जो है कॉटन नहीं होता, सिंथेटिक होती हैं, वो सॉक्स अगर कोई अपने पैर में आधा घंटा डाल के भी निकाल के अगर आप रखे ना, तो आपको लगेगा घर में कोई चूहा मर गया है, लिटरली इतनी गंदी स्मेल आती है उन सॉक्स में से। तो अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हो, टिप नंबर वन कि आप कॉटन बेस्ड सॉक्स डालो, नहीं तो मैं आपको बोलूंगी टॉवल सॉक्स हैं, महंगी आती हैं लेकिन अच्छी होती हैं, लेकिन उनमें स्मेल नहीं आती, वो पहने। दूसरा, कंफर्टेबल शूज में इन्वेस्ट करें, कोई भी ऐसे शूज टाइट ना डालें जो आपको फ्लाइट में जाके उतारने की जरूरत पड़े। अगर बहुत आपको उतारने की जरूरत है तो मेक श्योर करें कि आप अपने साथ कोई ऐसा डिओड्रेंट या परफ्यूम या कोई ऐसी चीज जरूर रखें कि अगर आप अपने शूज उतार रहे हैं, नंबर वन आपके स्मेल तो नहीं आ रही पैरों से, और दूसरा आप उसके ऊपर कोई स्प्रे अपने जूतों पे करें और अपने पैरों पे भी स्प्रे करें, ताकि पूरे कैबिन में बदबू ना फैले। ऐसे ऐसे भी फ्लाइट्स हुए हैं कई 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 एयरलाइंस में, जहां लोगों ने कहा है, आइडेंटिफाई किया है क्रू को आके कि जी मेरे साथ वो बंदा बैठा है या लेडी बैठी है, उन्होंने अपने जूते उतारे हैं और पूरे कैबिन में मतलब उल्टी जैसी स्मेल आ रही है, लिटरली इतना बुरा हाल होता था। अब आप मुझे बताएं, अगर आप मेरी जगह हैं ड्यूटी पे, आप कैसे उस बंदे को जाके बोलोगे कि जी आपके शूज में से स्मेल आ रही है, प्लीज इसको आप जूतों को वापस पहन ले। तो वो स्मेल जो है, क्योंकि कैबिन में सेम हवा सर्कुलेट होती है कुछ टाइम तक, तो इतनी गंदी स्मेल आती है जो अनबेरेबल होती है स्टाफ के लिए भी और को पैसेंजर्स के लिए भी, तो प्लीज ऐसा ना करें। अब इसी के साथ जुड़ी हुई बात आती है अपनी पर्सनल स्पेस। सीटों का साइज होता है, अब नेचुरली चार सीट हैं, तो जो उसके बीच में साइड में आर्म रखने के लिए हमारी आर्म रेस्ट होती है, जैसे चेयर की आर्म रेस्ट होती है, वैसे ही सीट्स की फ्लाइट में भी आर्म रेस्ट होती है, जहां पे हम अपनी आर्म को रखते हैं, मतलब अपने हाथों को रखते हैं रेस्ट के लिए। तो कई बार वो सीटों के बीच में जो बीच वाली आर्म रेस्ट होती है वो कॉमन होती है। तो अगर मान लीजिए चार सीटें हैं, साइड वाले की लेफ्ट वाली उसकी अपनी हो गई क्योंकि वो आइल के साथ जुड़ी हुई है, खाली जगह के साथ है, तो वहां किसी के साथ टच नहीं हो रहा आपका हाथ, लेकिन राइट हैंड साइड में आपके पैसेंजर है, उसके साइड में भी पैसेंजर है, उसके साइड में भी पैसेंजर है, तो नेचुरली जो आर्मरेस्ट होती है वो ईच सीट के बीच में एक ही होती है, दो दो आर्मरेस्ट नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता कि आपके लिए अपनी स्पेस है, दूसरे के लिए अपनी स्पेस है। कई बार लोग ह्यूज होते हैं, छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, जैसे भी होते हैं, सब इक्वल हैं हमारे लिए, मैं किसी को मोटा छोटा नहीं कह रही हूं, लेकिन एक समझाने के तौर पे आपको बोल रही हूं कि अगर आप वहां पे अपनी बाह रखें, अपनी आर्म रखें, थोड़ी अपनी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखें, ताकि किसी को गलती से आप टच ना करें जिसका कि कोई मसला बाद में बन जाए। क्योंकि कई बार फीमेल और मेल में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि कई बार फीमेल कहती है कि ये मुझे छेड़ रहा है, इसका हाथ मुझे लगा, तो उस सिचुएशंस को अवॉइड करें, अपनी स्पेस में ही अपनी आर्म को रखें। और इसके बाद सबसे बड़ी बात और आती है, हमारी सबकी फेवरेट, बहुत सारे लोगों को क्या लगाने की आदत होती है सिर में, तेल। तेल भी कई तरह का आता है, चमेली का आता है तेल, डाबर लाल भी आता है तेल, कई तरह का आता है जिसमें तरह तरह की खुशबू होती है, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं तेल की खुशबू से भी उनको एलर्जी भी होती है और वो लोग ब्रीद नहीं कर पाते। तो आई वुड सजेस्ट कि फ्लाइट में अगर आप हो सकता है तो तेल अगर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जहाज की जो सीटें होती हैं उनके कुशन्स भी खराब होते हैं, निशान पड़ जाते हैं। खैर, वो तो एयरलाइन वाले धो ही देते हैं कुशन्स को, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन एज अ पैसेंजर अगर आपके साथ कोई बैठा है और उसको आपके सिर के तेल से प्रॉब्लम है, तो फिर वो वही बोलेंगे क्रू को कि प्लीज इनकी सीट चेंज कर दो। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आप सिर्फ फ्लाइट वाले दिन तेल अवॉइड कर सकते हैं अपने सिर पे, आपके बाल झड़ेंगे नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। और कोई भी ऐसा स्ट्रांग इतना डीओ या परफ्यूम ऐसा मत लगा के जाओ, क्योंकि कई डीओज और परफ्यूम्स ना, मुझे लगता है कि लोग ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि लगाते हैं तो उनकी इतनी गंदी बदबू होती है ना। तो प्लीज अगर आप अपना परफ्यूम या डीओ चूज करें, उसकी खुशबू थोड़ी प्लेजेंट हो, ओवरबेयरिंग ना हो, क्योंकि कुछ लोग परफ्यूम से भी एलर्जिक होते हैं। तो ये कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाए थे जो मुझे लगता है एज अ पैसेंजर आपको एक स्मार्ट ट्रैवलर बना सकते हैं, आपको थोड़ा चीजों को अलग तरीके से नजरिए से देखने का एक नजरिया दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं एक इस प्रोफेशन में रही हूं, मैं इसलिए भी कह रही हूं कि जो मेरे लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, भाई थोड़ा सा
अपने आप को इम्प्रूव करो भैया, बेटर ट्रेवलर्स बनो, आपकी भी इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो क्रू आपकी बेइज्जती करेंगे बाद में, पर ऑफकोर्स लोग यार दुनिया सबकी बातें करती है। अगर आप भी कुछ ऐसे फनी सिचुएशन का शिकार होते हो, अगर आप में से स्मेल आ रही है जबकि कोई चाहता नहीं उसमें से आए, लेकिन भैया आती है, आप कहां से घर से कितने घंटे पहले चलते हो, क्या कपड़े आपने पहने हैं, क्या जूते आपने पहने हैं, क्या मटेरियल आपने यूज किया है, वो सब चीज का प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लंबी फ्लाइट्स में, जहां 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे आपने सेम सीट पे बैठना है। आप सोच के देखो, अगर आपके साथ कोई ऐसा पैसेंजर बैठा है, अगर आपको उसमें से स्मेल आ रही है, आप वो 10 से 14 घंटे कैसे अपने फ्लाइट में आप गुजारोगे? और अगर आप बोलोगे कि नहीं जी मैं तो सीट चेंज करा लूंगा या करा लूंगी, तो कुछ लोगों की स्मेल या पैरों की स्मेल या कपड़ों की स्मेल या अंडरआर्म्स की स्मेल दूर दूर तक आती है गाइस। तो प्लीज, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनके मतलब बहुत बड़े बड़े हैं, तो प्लीज इन पे गौर फरमाइएगा। अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया हो तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांग लेती हूं। मैं ये नहीं कहती मैं दुनिया की सबसे क्लीन लड़की हूं, मैं भी जब यंग थी छोटे शहर से थी, हमें भी भैया ये चीजें कोई बताने वाला नहीं था, तभी मैं आपको बता रही हूं क्योंकि हमें कोई नहीं बताता था। मैं चाहती हूं कि चलो मैं तो आपको बता दूं और खुलेआम बता दूं और शरेआम बता दूं, जिन चीजों को लेकर लोग हिचकते हैं या झिझकते हैं, तो वो चीजें एटलीस्ट आपको मैं दिल खुले से बता दूं क्योंकि मैं आपकी साइड हूं, किसी और की साइड नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। और अगर आपको लगता है आपको ट्रैवल टिप्स के बारे में और टिप्स चाहिए, तो आप प्लीज मुझे इस वीडियो के नीचे लिख के भेजिए कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके रिक्वेस्ट के ऊपर और भी वीडियोज जो आप चाहते हैं उसके ऊपर जरूर चर्चा करूंगी। एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, ताकि आपको ट्रैवल से रिलेटेड, होटल से, खाने से, मेरे से, जिंदगी से, मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय फॉर नाउ।